This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसे मजबूत बनाने में मीडिया ग्रुप्स और खासतौर पर उनके रिपोर्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। देश में कई निर्भीक और निडर पत्रकार व संपादक हुए हैं जिन्होंने सच जनता के सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिपोर्टर्स की जिंदगी हमेशा खतरों भरी रहती है, इसलिए इनके लिए जनता के मन में एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आज जिस तरह से पत्रकारिता का सर गिर रहा है, ये चिंता का विषय है। फेक न्यूज़ के जरिए तरक्की पाने का चलन वैसे तो नया नहीं है। 2007 में दिल्ली में घटी एक शर्मनाक घटना जिसमें एक फेक न्यूज़ ने एक टीचर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसकी जान जाते जाते बची। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना शायद फेक न्यूज़ के चलन का बीज रही होगी, जिससे पुलिस प्रशासन सरकार यहाँ तक कि जनता किसी ने भी सबक नहीं सीखा। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। चलते हैं आज की कहानी पर। भारत में कई सालों तक न्यूज़ के लिए लोग रेडियो पर आकाशवाणी या बीबीसी और दूरदर्शन पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन सन 2000 के बाद देश में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई। आज जैसा कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन टीआरपी बढ़ाने की होड़ में हर कोई नंबर वन चैनल बनना चाहता था। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही चलन बढ़ा स्टिंग ऑपरेशंस का। कई स्टिंग ऑपरेशंस तो बहुत सफल रहे जिन्होंने भ्रष्ट नेताओं और कारोबारियों की पोल खोली। सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस भी सामने आए। इन स्टिंग ऑपरेशंस ने जर्नलिज्म का रूप बदल कर रख दिया। जनता में रिपोर्टर्स की वैल्यू और भी बढ़ गई, क्योंकि इन स्टिंग ऑपरेशंस में खतरा और भी ज़्यादा होता था। लेकिन 30 अगस्त 2007 की दोपहर जो कुछ दिल्ली में हुआ, उसने लोगों की सोच पूरी तरह बदल कर रख दी। 2007 में ही लाइव इंडिया नाम का एक नया न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ था। वैसे तो ये एक पुराना चैनल था जिसे नए नाम के साथ रीलॉन्च किया गया था। इस चैनल के हेड थे सुधीर चौधरी, जो बाद में जी न्यूज़ और आजकल आज तक पर सक्रिय हैं। 30 अगस्त 2007, पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक सर्वोदय कन्या स्कूल है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर एक सरकारी गर्ल स्कूल है। इसी स्कूल से रिलेटेड एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो लाइव इंडिया के न्यूज़ चैनल पर दोपहर 11 से 12 बजे के बीच चलाया जाता है। इस वीडियो में दिखाया गया कि सर्वोदय कन्या स्कूल की एक मैथ्स टीचर उमा खुराना टीचिंग के साथ साथ एक सेक्स रैकेट भी चलाती है, और इस काम में वो स्कूल की लड़कियों को भी धकेल रही है। वो लड़कियों को डरा धमका कर इस्तेमाल करती है, और जो लड़कियाँ उनकी बात नहीं मानती वो उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करती है। इन्हीं प्राइवेट वीडियोस के ज़रिए वो कई रसूखदार लोगों से पैसे की उगाही भी करती है। ये इस वीडियो का पूरा फॉर्मेट था। इस वीडियो में उमा खुराना को एक यंग लड़की के साथ बैठे बात करते दिखाया गया था, और कहा गया कि यहाँ वो किसी कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। अलग वीडियो क्लिप में लड़की को किसी आदमी के साथ कार में बैठे दिखाया गया था, जहाँ पास में उमा खुराना भी खड़ी थी, और ये सब हिडन कैमरा से शूट किया गया था। इस छोटी सी क्लिप के साथ उस लड़की का हिडन कैमरा से लिया गया एक स्टेटमेंट भी था, जिसमें वो ये कहती है कि वो उसी स्कूल की स्टूडेंट है और उमा मैम ने ही उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला है। लड़की का चेहरा छिपाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन के इस वीडियो को ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर बार बार लाइव इंडिया के चैनल पर चलाया गया, और अब ये खबर एक बम की तरह थी। स्कूल में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ पुरानी दिल्ली के इलाके की ही थी। जब उनके पेरेंट्स ने यह खबर देखी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लड़कियों के परिवार वालों के लिए यह खबर सदमे जैसी थी कि जिस स्कूल में वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ उनके साथ ये सब हो रहा है। सभी पेरेंट्स डरे हुए थे कि कहीं उनकी बेटी का नाम इस सब में शामिल ना हो। यह खबर वाकई डराने वाली थी। स्कूल और टीचर का नाम साफ तौर पर डिस्क्लोज किया गया था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में ये खबर आग की तरह फैली। ये स्कूल तुर्कमान गेट पर दिल्ली गेट के नज़दीक था, जहाँ से डीसीपी ऑफिस की दूरी महज 1 किलोमीटर तक की है।
अभी तक स्कूल में छुट्टी नहीं हुई थी। खबर फैलते ही गुस्से में भरे परिवार के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब इकट्ठा होने शुरू हुए और स्कूल के गेट के पास भीड़ जुटनी शुरू हुई। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग उमा खुराना के खिलाफ नारे लगाने लगे। उनका कहना था कि उमा को उनके हवाले कर दिया जाए। स्कूल वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। भीड़ उग्र होती जा रही थी। लोगों ने गुस्से में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ में तो आग भी लगा दी गई। पुलिस कॉल की गई। जल्दी ही पुलिस टीम वहां पहुंची। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच कुछ लोग स्कूल बिल्डिंग में घुस गए और कहीं छुपी हुई उमा खुराना उनके हत्थे चढ़ गई। वो लोग उमा को बालों से घसीटते हुए बाहर ले आए, जहां पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ी। थप्पड़, लात, घूंसे, हर तरह से उसे पीटना शुरू हुआ। बाल खींचना, मुंह नोचना सब कुछ हो रहा था। भीड़ ने उमा के कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। भीड़ उमा खुराना को जान से मारने पर आमादा थी। हालात काबू से बाहर जाते देखकर कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत की। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे और उमा को खींचते हुए भीड़ से बाहर ले आए। तब तक उमा के कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और वो बुरी तरह से जख्मी थी। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। उसे फौरन इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन भीड़ अभी भी गुस्से में थी। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया और वहाँ दंगे जैसे हालात हो गए थे। अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाकर सिचुएशन को बड़ी मुश्किल से संभाला गया। अगर उस दिन कुछ पुलिस वाले हिम्मत करके उमा खुराना को भीड़ से नहीं बचाते तो उनकी लिंचिंग हो जाती और उमा वहीं स्कूल के गेट पर दम तोड़ चुकी होती। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और कार्यवाही शुरू की। इलाज के बाद उमा खुराना को अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने लाइव इंडिया चैनल से स्टिंग ऑपरेशन की सारी फुटेज इकट्ठा की। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और कई टीचर्स ने उस फुटेज में उमा की पहचान की। पूरी कंफर्मेशन के बाद इस केस में उमा की भागीदारी लगभग प्रूव हो चुकी थी। अगले ही दिन दिल्ली गवर्नमेंट ने उमा खुराना को उनकी टीचिंग पोस्ट से सस्पेंड कर दिया। उमा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कहते हैं तिहाड़ जेल में अगले 3 दिनों तक उमा सिर्फ रोती रही। बार बार वो यही कहती रही कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया और उसे फंसाया गया है। उसके लगातार रोने से उसकी हालत खराब हो रही थी। उमा खुराना तिहाड़ जेल में 7 दिनों तक रही। 7 दिन के बाद उसे जमानत मिली और वो बाहर आई। उसको जमानत मिलने से भी लोगों में भारी गुस्सा था। उस वक्त के हिंदुस्तान टाइम्स के काबिल रिपोर्टर अभिषेक भल्ला को पुलिस के सूत्रों द्वारा एक खबर मिलती है, जिसकी पूरी रिपोर्ट अगले दिन अखबार में छपती है। इसके बाद इस केस का रुख ही बदल जाता है। पुलिस उमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, जिसमें सबसे अहम थी वो लड़की जिसका स्टेटमेंट उस फुटेज में था, जिसने खुद को सर्वोदय स्कूल का स्टूडेंट भी बताया था। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सबसे अहम विटनेस थी। पुलिस अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और जल्द ही उस लड़की को ढूंढ लिया जाता है। पुलिस उसे थाने बुलाकर पूछताछ करती है। लड़की के मिलने से पुलिस बहुत खुश थी कि अब ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन लड़की के बयान ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। लड़की का कहना था कि ना तो वो स्कूल की स्टूडेंट है और ना ही प्रोस्टिट्यूट। वो लड़की दरअसल एक फ्रीलांसर रिपोर्टर थी, जो किसी बड़े मीडिया हाउस को ज्वाइन करना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। तब उसकी मुलाकात लाइव इंडिया के एक रिपोर्टर प्रकाश सिंह से हुई। प्रकाश सिंह ने लड़की को अपने चैनल में काम दिलवाने का वादा किया, लेकिन जिसके बदले में प्रकाश सिंह ने एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए लड़की की मदद मांगी और लड़की फौरन तैयार हो गई। ये सब एक साजिश का हिस्सा था, जो स्पेशली उमा खुराना के लिए रची गई थी। दरअसल उमा खुराना और उनके बिजनेसमैन पति का एक अन्य कारोबारी वीरेंद्र अरोड़ा से पैसों को लेकर विवाद था। वीरेंद्र अरोड़ा पूर्वी दिल्ली का रहने वाला था और चिटफंड का धंधा करता था। पैसों को लेकर उसका उमा खुराना से कई बार झगड़ा हो चुका था और वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह से उसकी अच्छी जान पहचान थी।
उमा से बदला लेने के लिए उसने प्रकाश सिंह के साथ मिलकर साजिश तैयार की, जिसमें उमा को फेक स्टिंग ऑपरेशन में फंसाकर बदनाम करना था और पुलिस केस में फंसाना था। वीरेंद्र अरोड़ा को सिर्फ अपना बदला लेना था, फिर इस स्टिंग ऑपरेशन का अंजाम कुछ भी होता। उधर प्रकाश सिंह को भी इस खबर के जरिए अपनी प्रमोशन और पॉपुलैरिटी का रास्ता दिख रहा था। वो लड़की भी रिपोर्टर बनने के लालच में मदद के लिए तैयार हो गई। प्लान तैयार हुआ, जिसके तहत उस लड़की को तैयार किया गया जो कैमरे पर उमा के खिलाफ बयान देती है कि वो सर्वोदय स्कूल की स्टूडेंट है और उमा ने उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतारा है। साजिश के तहत ही उमा को एक ख़ास जगह पर बुलाया गया, जहां ये लड़की उससे मिलती है और बातचीत करती है, जिसका हिडन कैमरा से वीडियो बनाया गया। फेक ऑडियो से ये बताया गया कि उमा लड़की को कस्टमर से मिलवाने आई है और यहाँ कस्टमर का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को एक आदमी के साथ कार में बैठा दिखाया गया, जिनसे उमा की बातचीत हो रही थी। कुछ देर के बाद उमा वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में बैठा वो शख्स कोई और नहीं, प्रकाश सिंह था, जिसे कस्टमर बताया गया था। ऑडियो के ज़रिए ये एस्टैब्लिश किया गया कि उमा एक सेक्स रैकेट चलाती है और वो लोगों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करती है। अपने काम के लिए वो जबरन स्कूल की लड़कियों को भी इन सब में धकेलती है। उमा खुराना को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। इस फेक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो लाइव इंडिया चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर बार बार चलाया गया, जिसका नतीजा भीड़ का वो उग्र रूप था, जिसमें उमा की जान जाते जाते बची थी। उमा का इस वीडियो के बारे में कहना था कि उस दिन वीरेंद्र अरोड़ा ने ही उमा को वहाँ उस लड़की और प्रकाश सिंह से मिलने भेजा था। उससे पहले वो उन लोगों से कभी नहीं मिली थी। ये कुछ मिनटों की मुलाकात थी, जिसे गलत फ्रेम के साथ पेश किया गया। उस लड़की का कहना था कि उसने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, उसने वही किया जो उसे कहा गया, और ये सब उसने नौकरी के लालच में किया था। उसके बयान के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और प्रकाश सिंह के साथ वीरेंद्र अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की नई चार्जशीट में असली कहानी और इस साजिश के असली अपराधियों के नाम अदालत में पेश किए गए। उस लड़की को अदालत में गवाह के रूप में पेश किया गया, जिसके बाद प्रकाश सिंह और वीरेंद्र अरोड़ा को जेल भेज दिया गया। इसके बाद अदालत ने उमा खुराना पर लगे सभी इल्ज़ामों को हटाते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया और दिल्ली गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि उमा खुराना को उनकी नौकरी वापस की जाए, और 2008 में उन्हें अपनी नौकरी वापस मिल गई। रिपोर्टर प्रकाश सिंह का नाम इस केस में आने के बाद लाइव इंडिया चैनल पर भी फेक न्यूज़ चलाने के इल्ज़ाम लगे। उस वक्त के चैनल के हेड सुधीर चौधरी ने एक बयान दिया कि इन सब के लिए प्रकाश सिंह ही जिम्मेदार है। उसने गलत वीडियो बनाकर चैनल को धोखा दिया, वो रिपोर्टर नहीं एक क्रिमिनल है। इस तरह सुधीर चौधरी ने प्रकाश सिंह को जिम्मेदार बताते हुए अपना और चैनल का बचाव किया। उनके इस बयान पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोगों ने तो सुधीर चौधरी को ही इस सब का मास्टरमाइंड बताया कि चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसने ही ये साजिश रची थी। सच्चाई क्या थी हम कह नहीं सकते, लेकिन किसी खबर की सत्यता जाने बिना उसे ऑन एयर करना निहायत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि इसका अंजाम भयानक हो सकता है। बड़े होने के बाद उमा ने इस चैनल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 8 महीने बाद ही उसने एक याचिका दायर करके ये केस वापस ले लिया। उसका कहना था कि आउट ऑफ कोर्ट उसका समझौता चैनल और एक्यूज के साथ हो गया है। फेक स्टिंग ऑपरेशन और इस पूरे घटनाक्रम को अदालत ने बड़ी गंभीरता से लिया कि स्टिंग ऑपरेशन का एक पैमाना होना चाहिए। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये ज़रूरी भी है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी या अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल बहुत घातक है। अदालत के आदेश पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 1 महीने के लिए लाइव इंडिया चैनल को ऑफ एयर कर दिया था और हर प्लेटफॉर्म पर उसका प्रसारण रोक दिया गया। ये शर्मनाक घटना बताती है कि फेक न्यूज़ समाज पर कितना बुरा असर डालती हैं। इसलिए मीडिया न्यूज़ चैनल्स को अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करने की ज़रूरत है। पूरी जांच परख के बाद ही खबरें पेश की जानी चाहिए। उस दिन फेक न्यूज़ ने दिल्ली में दंगे जैसा माहौल बना दिया था। शायद उमा खुराना उस दिन बेमौत मारी जाती, बेकसूर होते हुए भी उसने ये सब भुगता। उसे कई दिन जेल में बिताने पड़े। बरी होने तक वो एक अपराधी की तरह ही जिंदगी जीती रही।
उसके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसे शक की नजरों से ही देखते थे। नौकरी वापस मिलने पर उमा ने उस स्कूल का रुख दोबारा नहीं किया। जीते जी शायद अपनी जिंदगी में उमा खुराना वो काला दिन कभी भुला नहीं पाई। लेकिन इस घटना से भी शायद कोई सबक नहीं सीखा गया। आज तो हालत और भी बुरे हैं। जहां टीआरपी की होड़ में धड़ल्ले से फेक न्यूज़ परोसी जाती है, गलत बयानबाजी और बेवजह के डिबेट्स होते हैं जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। ये सब इतने खुलेआम हो रहा है कि आप असली और नकली खबरों में फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे। अदालत को इस ओर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को सही और निष्पक्ष खबरें मिल सकें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।